ओ लेवल पाइथन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट। ये सारी क्लासेस सीक्वेंस में है जो ऐप में अवेलेबल है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में अपर और लोअर केस खत्म किया था। चलिए देखते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट्स या कॉनकैटिनेशन क्या होता है। कॉनकैटिनेशंस को कंबाइन करना या तो स्ट्रिंग को जोड़ देने का मतलब होता है कॉनकैटिनेट करना। इसके लिए हम लोग प्लस सिंबल का यूज करते हैं। ये अब जैसे कि आपके पास ए की वैल्यू हेलो है और बी की वैल्यू वर्ल्ड है, तो अगर हम सी लिखते हैं तो सी की वैल्यू ए प्लस बी कर देंगे तो ये दोनों जोड़ देगा स्ट्रिंग के केस में। अगर इसकी जगह अगर मैं इंटीजर होते तो वो उसकी वैल्यू को जोड़ते का मतलब है आउटपुट जोड़ देता। ठीक, चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आसान है, देखिए तो हमने ए को डिक्लेयर किया यहां पर हेलो और बी को डिक्लेयर किया यहां पर वर्ल्ड। ठीक, और अब हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं सी। सी का मतलब है ए प्लस बी के बराबर, ये रहा। और अब मैं आपसे कहूंगा कि सी को प्रिंट भी करना है, तो सी को प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने यहां पर नॉर्मल से लिख दिया प्रिंट सी। तो आप देखेंगे प्रिंट सी में कंबाइन हो गया, सिंपल है। अगला इससे जुड़ा हुआ है हमारे पास, अभी मैं इंटीजर वाले में भी बताऊंगा। अगला है हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट का मतलब समझिए क्या है। एज वी लर्न इन द पाइथन वेरिएबल चैप्टर वी कैनॉट कंबाइन स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। लाइक आप दो स्ट्रिंग को तो ऐड कर रहे हैं लेकिन नंबर और स्ट्रिंग को कंबाइन नहीं कर सकते। जैसे एज 36 है और टेक्स ये है, तो आप सोचें मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो 36 यहां लिखकर आ जाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं। या तो दोनों स्ट्रिंग हो और या तो दोनों वेरिएबल्स हो, स्ट्रिंग और मतलब दोनों इंटीजर हो या तो स्ट्रिंग हो, इंटीजर स्ट्रिंग कंबाइन नहीं हो सकते। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो एरर आएगी। इस केस के लिए यहां पे बनाया गया है फॉर्मेट। वी कैन कंबाइन स्ट्रिंग एंड नंबर्स बाय यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन में हमें क्या करना होता है, फॉर्मेट मेथड टेक्स पासेस आर्गुमेंट फॉर्मेट देम एंड प्लेस देम इन द स्ट्रिंग वेयर द दीज कर्ली ब्रैकेट्स आ गया। ये प्लेस होल्डर बनते होते हैं। तो यहां पर भी मैं जैसे कि एज की वैल्यू यहां कितनी है 36 और मैंने यहां पे एक स्ट्रिंग लिख दिया और यहां पे एक कर्ली ब्रैकेट यानी प्लेस होल्डर लगा दिया, तो जहां पर प्लेस होल्डर है वो चीज 36 से रिप्लेस हो जाएगी अगर मैं फॉर्मेट फंक्शन यूज करता हूं तो। ठीक, देखिए कैसे। जैसे मैंने यहां पर एज की वैल्यू लिख रखी है यहां पे 36 और टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने टीएक्सटी के अंदर एक और हमने बना लिया, उसके अंदर हमने लगा दिया ये। और अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रिंट करो टीएक्सटी डॉट फॉर्मेट एज। तो जब मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहां पे प्लेस होल्डर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग कई जगह कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी यहां पर गौर करिए, क्वांटिटी की वैल्यू 3 है, ये सब वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, दो इंटीजर एक फ्लोट है। माई ऑर्डर के अंदर मैंने आई वॉन्ट ये लगाया, इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा क्वांटिटी, इसकी जगह क्या हो जाएगा आइटम नंबर, और इसकी जगह क्या हो जाएगा प्राइस। तो फॉर्मेट फंक्शन क्लियर हो गया सभी को। तो ये है आपका फॉर्मेट फंक्शंस। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केप करेक्टर। स्केप करेक्टर का मतलब होता है इंसर्ट करेक्टर दैट आर इलीगल इन स्ट्रिंग्स, उसे हम स्केप करेक्टर। इलीगल का मतलब है जो गलत दिखा है। स्केप करेक्टर ये पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में आए, इसको बैकस्लैश से शो करते हैं, इसे फॉलोड बाय द करेक्टर यू वॉन्ट टू इंसर्ट। फॉर एग्जाम्पल एन इलीगल करेक्टर इज ए डबल कोट्स। अब अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल इस तरह का भाई टेक्स्ट को हम इसी तरह तो लिखते थे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और हमें यहां पर ये वर्ड और लिखना है, हम चाहते हैं कि प्रिंट आउट में ये वर्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा में आए, तो हम इस तरह नहीं लिख सकते। वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो ये तो भाई कंप्यूटर पाइथन के हिसाब से तो ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स के अंदर एक और सिंटेक्स कैसे लग गया, तो वो इसे दिखा देगा कि ये प्रॉब्लम है कि ये चीज नहीं हो पाएगी। अब इसको कैसे प्रिंट किया जाए, उसके लिए हम लोग स्केप करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हम लोगों को जहां पर भी ये चीज प्रिंट करनी है उसके आगे स्केप करेक्टर लगा देंगे। अब देखिए मैंने इसके आगे स्केप करेक्टर लगा दिया, तो अब अगर मैं txt की वैल्यू ऐसी रखता हूं और इसके बाद मैं अब ये देखिए मैंने txt की वैल्यू ऐसे लिख दी, ये स्केप करेक्टर लगा दिए और अब मैंने यहां लिखा प्रिंट txt, तो अब आप देखेंगे कि लिखते ही ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ गया। अगर आप डायरेक्ट लिखते तो वो
नहीं लेता। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि पाइथन में बूलियंस कैसे काम करते हैं।